जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने वर्षा के दृष्टिगत फसलों को हुए नुकसान का ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनपद मुरादाबाद में विगत 3 दिन से हो रही निरंतर वर्षा के कारण जनजीवन एवं फसलों के प्रभावित होने की सूचना पर मंगलवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी वित्त युगराज सिंह तथा उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी के साथ ग्राम हीरापुर, चकलालपुर, रझौड़ा, लालपुर तीतरी, भीतखेड़ा, जैतपुर विसाहत, ब्लॉक मुंडा पांडे, तहसील सदर मुरादाबाद के क्षेत्रों एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा भारी वर्षों से फसलों को हुए नुकसान का ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जायजा लिया गया तथा ग्रामीणों से भी वार्ता की गई। भ्रमण के दौरान ये पाया गया कि बासमती एवं सरबती धान की फसल खेतों में गिर गई है। कृषकों से जिलाधिकारी द्वारा वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो फसलें नीचे गिर गई हैं उसमें काफी नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा इस मौके पर कृषकों को बताया गया कि जैसे ही वर्षा बंद हो जाएगी तो राजस्व टीम के माध्यम से फसलों को हुई क्षति का आंकलन कराकर कृषि निवेश अनुदान प्रभावित कृषकों को दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन ने भारी बरसात के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं तथा किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई समस्या एवं परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व कानूनगो एवं लेखपाल आदि मौजूद रहे।